कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। आपके चैप्टर नंबर 9 का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और इससे रिलेटेड जो हमने बेसिकली इन प्रॉपर्टीज़ और इनकी डिटेल हम स्टडी करेंगे आगे 5-6 टॉपिक्स के अंदर, दे आर वेरी मच इम्पोर्टेंट और आपको इसकी कॉन्सेप्ट को डेवलप करने की जो सी है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी इस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ बाई डेफिनेशंस क्या होती हैं कि ये सोल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ द सोल्यूशन विच डिपेंड्स, जो कि किस पे डिपेंड करेंगी, विच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि वो तमाम प्रॉपर्टीज जो किस पे डिपेंड कर रही हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर। दिस इज इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस पे डिपेंड नहीं कर रही कि आपके पास सोल्यूट की नेचर क्या है, सॉल्वेंट की नेचर क्या है, इसका मॉलिक्यूल का साइज क्या है, इसका मॉलिक्यूल का साइज बड़ा है या छोटा है, इस चीज पे डिपेंड नहीं करेगी। ये सिर्फ इस बात पे डिपेंड करेगी कि आपने सोल्यूट के कितने मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सॉल्वेंट के कितने मॉलिक्यूल्स के अंदर मिक्स करा के अपना सॉल्यूशन जो है वो बनाया है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसके अलावा किसी चीज़ के ऊपर जो है ये प्रॉपर्टीज हमारी डिपेंड नहीं करती। अब आपका जो प्रॉपर्टीज़ हैं या जो चीज़ हमने इस चैप्टर में भी स्टडी करनी है वो बेसिकली 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हमने स्टडी करना है। 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली है जी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये टर्म आप अपने पहले भी जब हमने राउल्ट्स लॉ को स्टडी किया था तो आप इसको पढ़ के आए थे। यू हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जब भी हम एक सॉल्वेंट के अंदर एक सोल्यूट डालते हैं तो उस सोल्यूट की मौजूदगी की वजह से इस सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाता है, लो हो जाता है, उसमें कमी वाक़या होती है। उस क्यों वाक़या होती है वो बात भी हम जब इसकी डिटेल में स्टडी करेंगे तो हम उसको देख लेंगे। दिस इज़ अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये डिपेंड करेगी कि कितने नंबर ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल आपने इसके अंदर डाले हैं उसके हिसाब से इसका वेपर प्रेशर जो है वो लो हो जाएगा। सेकंड प्रॉपर्टी इज द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट किसी भी सॉल्वेंट का जब वो सॉल्यूशन बना देगा सॉल्यूट डालने के बाद तो उसके बॉइलिंग पॉइंट में राइज आ जाता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाता है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो जाती है। इसकी वजह ये है कि आपके पास ये भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, कितना बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा किसी भी सॉल्वेंट का वो डिपेंड करेगा कि आपने कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डाले हैं अपने सोल्यूट के उस सोल्यूशन को तैयार करने के लिए। तो जब भी कोई सोल्यूशन बनता है तो उसमें जो सोल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो एलिवेट कर जाता है, वो बढ़ जाता है। दिस इज द सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। नंबर 3 इज द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या है कि जब भी हमारे पास सॉल्यूशन बनेगा तो जिस तरह सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कम होता है, उसमें डिप्रेशन हो जाता है, उसमें कमी वाक़या होती है। एंड फ्रीजिंग पॉइंट इज़ दैट पॉइंट एट विच एनी लिक्विड सॉलिडिफाइज। किसी भी अगर वाटर का मैं फ्रीजिंग पॉइंट बात कर रहा हूँ तो दैट इज़ 0 डिग्री सी, ये वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर वाटर फ्रीज हो जाएगा, लिक्विड सॉल्वेंट आपका सॉलिडिफाई हो जाएगा, तो वो टेम्परेचर क्या कहलाता है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट। और किसी भी फ्रीजिंग पॉइंट
में कमी इस वजह से वाकया होती है कि जब आप लिक्विड के अंदर सॉल्यूशन के अंदर लिक्विड को सॉल्यूशन बनाते हैं, लिक्विड के अंदर सॉल्यूट डालते हैं, तो उस सॉल्यूट के डलने की वजह से उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाता है। एंड दिस इज अगेन अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इनकी ये तीन आर द मेन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जिनको हमने डिटेल में स्टडी करना है, और इनकी केमिस्ट्री भी समझनी है कि वेपर प्रेशर कम होने की वजह क्या होती है, बॉइलिंग पॉइंट किस तरह से कम होता है, और फिर हम इन तीनों की मैथमेटिकल फॉर्म जो है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, उनको भी हम डिराइव करेंगे इन टॉपिक्स के अंदर। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में ये तीन मेन टॉपिक्स होंगे। नंबर फोर आपके बुक में मेंशन की हुई है, दैट इज़ द ऑस्मोटिक प्रेशर। ये भी एक प्रॉपर्टी है कि किसी भी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, ऑस्मोसिस के नतीजे में जो प्रेशर बिल्डअप होता है वो कितना होगा, वो भी चीज़ डिफाइन करेगी दिस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉल्यूट। तो दिस वाज द इंट्रोडक्शन टू द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब हम चलते हैं कि हम इनको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्यों कहते हैं या उनकी केमिस्ट्री क्या होती है। फॉर एग्जांपल हम तीन अपने डिफरेंट जोन से हैं सॉल्यूशन बना लेते हैं, मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने पास तीन सैंपल्स लेता हूँ ऑफ 1 kg वाटर। दीज आर थ्री सेम एंड मैथ वाइज इनका सेम है, 1 kg वाटर आपके पास मौजूद है एज अ सॉल्वेंट। आपने क्या किया, आपने इसके अंदर 6 ग्राम्स डाल दिए यूरिया के, इसके अंदर आपने 18 ग्राम्स डाल दिए ग्लूकोज के, और इसके अंदर आपने 34.2 ग्राम्स डाल दिए सुक्रोज के। सुक्रोज होती है हमारे पास, इसका जो है मॉलिक्यूलर मास वो 342 होता है, ग्लूकोज का 180 होता है और यूरिया का 60 होता है। हमने क्या किया, अब 60 ग्राम्स अगर मैं डालता तो वो 1 मोल यूरिया का सोल्यूशन बनना था। सिमिलरली अगर मैं 180 ग्राम डालता ग्लूकोज का तो वो 1 मोलल सोल्यूशन बनना था ग्लूकोज का। अब मैंने क्या किया है, मैंने उनके 10वें हिस्से डाले हैं, 60 का 10वां हिस्सा 6 ग्राम, 180 का 10वां हिस्सा 18 ग्राम, और सुक्रोज 342 का 10वां हिस्सा 34.2 ग्राम। ये तमाम क्वांटिटीज़ इन केमिकल कंपाउंड्स की मैंने जब इसके अंदर डाली तो मेरे पास सॉल्यूशन बन गया, 6 ग्राम डालने से सॉल्यूशन बना 0.1 मोलल। अगर आप अपनी इसी चैप्टर की शुरू के हम टॉपिक्स डिस्कस करें तो मोलल का मतलब था कि किसी नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट इन 1 kg ऑफ वाटर। तो ये 1.1 मोलल सोल्यूशन है किसका, ऑफ यूरिया। सिमिलरली दिस इज 0.1 मोलल सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड दिस इज 0.1 मोलल सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज। तो ये हमारे पास तीन डिफरेंट सॉल्यूशंस बन गए। अब हम क्या कहते हैं, अब हम कहते हैं कि हम इन तीनों के अंदर ये जो हमारा सॉल्यूशन है, हम इन तीनों सॉल्यूशंस के अंदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। हम पहली प्रॉपर्टी की बात करते हैं जी, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब नॉर्मल जो अंडरस्टैंडिंग है वो तो ये कहती है कि 6 ग्राम यूरिया मैंने डाला तो 6 ग्राम यूरिया की वजह से जो लोअरिंग होगी वेपर प्रेशर की वो कम होगी, 18 ग्राम से ज़्यादा कमी वाकया होगी, और 34.2 ग्राम में सबसे ज़्यादा कमी वाकया होगी वाटर के वेपर प्रेशर के कम होने में। लेकिन ऐसा नहीं होता, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर रिमेन्स द सेम इन दीज थ्री केसेस। क्यों, क्योंकि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इट विल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड करेगी, इस वजह से इन थ्री केसेस, तीनों के तीनों केसेस में लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज
द सेम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमारे पास सेम आएगा बिकॉज हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है। किस तरह सेम है? 6 ग्राम ऑफ यूरिया, इसका मतलब है कि 0.1 मोल है यूरिया का। सिमिलरली 18 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज, दैट इज इक्वल टू 0.1 मोल ऑफ ग्लूकोज, एंड 34.2 ग्राम ऑफ सुक्रोज इज इक्वल टू 0.1 मोल ऑफ सुक्रोज। अब चूंकि ये तीनों 0.1 मोल हैं, तो इनके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे? ये 1 मोल का 10वां हिस्सा है, और 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स एन ए होते थे, तो हम इसको 10 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास बेसिकली नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो एवोगैड्रोज नंबर का 10वां हिस्सा है, और तीनों केसेस में ये वैल्यू सेम है। और चूंकि ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड करती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और वो तीनों केसेस में सेम है, जिसकी वजह से लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इन तीनों केसेस के अंदर सेम का सेम है। तो दिस इज़ हाउ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वर्क। के देखने में तो यही लगता है कि इसमें सुक्रोज वाला जो है, ये वाला, इसकी लोअरिंग सबसे ज़्यादा होनी चाहिए और इसकी सबसे कम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तीनों की केस में ये जो है सेम रहती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है हमारे पास वो है जी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। सिमिलरली आपके पास तीनों केसेस में 6 ग्राम यूरिया और 18 ग्राम ग्लूकोज एंड 34.2 ग्राम्स ऑफ सुक्रोज, इन तीनों केसेस के अंदर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगी? सेम होगी, बिकॉज इट इज अगेन अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड इट विल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो कि हमारे पास मौजूद हैं, और वो इतने थे। तो इन तीनों सैंपल्स के अंदर जो राइज आएगा हमारे पास किसी भी वाटर के बॉइलिंग पॉइंट के अंदर, वो होगा 0.052 डिग्री सी। नॉर्मल प्योर वाटर जो है वो बॉयल करता है 100 डिग्री सी के ऊपर, लेकिन 0.1 मोलल सॉल्यूशन जो होगा वाटर के अंदर, वो चाहे यूरिया का हो, चाहे ग्लूकोज का हो, या चाहे सुक्रोज का हो, 0.1 मोलल है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे? वो होंगे जी सेम। और इनके सेम होने की वजह से 0.1 मोलल सॉल्यूशन में इतना फ़र्क आता है। तो अब 0.1 मोलल सॉल्यूशन ऑफ यूरिया या ग्लूकोज या सुक्रोज जो बॉयल करेगा, वो बॉयल करेगा 100.052 डिग्री सी के ऊपर। तो दिस इज़ द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कि वह पहले पानी 100 पे हो रहा था, लेकिन सॉल्यूशन बनने की वजह से इतना जो है वो चेंज आ गया। थर्ड प्रॉपर्टी इज द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अब सेम इट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो डिप्रेशन जो होगा फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर, दैट विल बी द सेम बिकॉज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर इक्वल टू इन ईच केसेस दे आर सेम। अब डिप्रेशन जो आएगा उसकी वैल्यू आएगी 0.186 डिग्री सी। 0.1 मोलल सॉल्यूशन अगर हमारे पास है वाटर के अंदर यूरिया, ग्लूकोज या फिर सुक्रोज का, तो हमारे पास जो डिप्रेशन आएगा वो 0.186 डिग्री सी होगा। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 0 डिग्री सी। वाटर फ्रीज होता है 0 पे। अब जो सोल्यूशन होगा ये वाला, इनकी मौजूदगी में, इस सोल्यूशन में इन नंबर ऑफ पार्टिकल्स की मौजूदगी की वजह से अब जो वाटर है आपका -0.186 डिग्री सी के ऊपर जाके जो है वो आपका वाटर
फ्रीज होगा तो इतना जो है डिप्रेशन हो जाएगा, पहले जीरो पे हो रहा था अब जीरो से नीचे जाएगा और ये इतना मज़ीद नीचे जाएगा और इस पॉइंट के ऊपर जाके आपका वाटर जो है वो फ्रीज हो जाएगा। तो हमने ये देखा कि तीनों के तीनों केसेस के अंदर 6 ग्राम यूरिया, 18 ग्राम ग्लूकोज एंड 34.2 ग्राम ऑफ सुक्रोज, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर सेम, और इसकी वजह से आपकी जो प्रॉपर्टीज हमने तीन स्टडी की वो क्या होंगी, सेम होंगी। अब हम नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं, केस टू। इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास उसी तरह अब तीन सैंपल्स हैं 1 किलोग्राम वाटर के, अब इसके अंदर हमने 60 ग्राम यूरिया डाला, 180 ग्राम्स ग्लूकोज डाल दिया और 342 ग्राम हमने सुक्रोज डाल दी, और तीन अलहदा अलहदा हमारे पास सॉल्यूशन बन जाएंगे। अब ये 60 ग्राम है तो ये 1 मोलर है तो हम हमारे पास 1 मोलर सॉल्यूशन बनेगा। सिमिलरली ये 1 मोलर होगा ग्लूकोज का और ये होगा जी 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज। अब इन तीनों के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे विल बी द सेम, और 1 मोल है तो ये Na के बराबर होंगे जो कि हैं 6.022 × 10^23। अब इनकी एलिवेशन और डिप्रेशन, एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, अब ये डिफरेंट होगा पिछले केस से। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पहले उसका 10वां हिस्सा थे, अब उसके 10 टाइम्स हमने बढ़ा दिए, अब 1 मोलर सॉल्यूशन है, पहले 1 मोलर सॉल्यूशन था, अब ये डिफरेंट होंगे, लेकिन इन तीनों केसेस के लिए ये सेम होंगे, इनके अंदर कोई फर्क नहीं आएगा। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हो जाएगी अब 0.52 डिग्री सी, और ये हो जाएगी हमारे पास माइनस, और फ्रीजिंग पॉइंट का जो फर्क होगा वो 1.86 का होगा डिग्री सी का। अब जो आपके पास ये वाला सॉल्यूशन जो है वो बॉयल करेगा तो दैट विल बॉयल ऑन 100.52 डिग्री सी, 100 डिग्री सी पे प्योर वाटर और 100.52 के ऊपर ये तीनों जो से सॉल्यूशन हमारे पास बने ये बॉयल करेंगे, और अगर हम इनको ठंडा करें फ्रीज करने के लिए तो वाटर जीरो पे होगा लेकिन ये -1.86 डिग्री सी के ऊपर होंगे, क्योंकि इतना इस 1 मोलर सॉल्यूशन की वजह से हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आया है। तो दिस इज़ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ एनी सॉल्यूशन जो कि हम मौजूद होती हैं किसी भी सॉल्यूट की मौजूदगी की वजह से। अब जब भी आप किसी सॉल्वेंट का के अंदर 1 मोल सोल्यूट डालें, 1 kg सॉल्वेंट लेके आप उसके अंदर 1 मोल सोल्यूट डालें और आपके पास 1 मोलल सॉल्यूशन बन जाए, फॉर एग्जांपल हम वाटर की बात करते हैं, कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है, हम वाटर को लेके चलते हैं, तो वाटर का 1 मोलल सॉल्यूशन के अंदर जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है या जो एलिवेशन है, एलिवेशन ऑफ फ्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट, ये क्या होगी, कांस्टेंट होगी, और इसी तरह एलिवेशन ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो भी कांस्टेंट होगा। तो जब भी हम किसी सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि 1 मोलल जब इसका सॉल्यूशन हम बनाएंगे तो उसके अंदर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कितनी आएगी और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कितनी जो है वो आएगी। तो जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आती है किसी भी सॉल्वेंट की उसको हम के बी कहते हैं, और जो डिप्रेशन आती है फ्रीजिंग पॉइंट में वो के एफ होती है। जब भी वाटर का 1 मोलर सॉल्यूशन बनेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस थिंग के सॉल्यूट कौन सा है, सॉल्यूट की नस्ल या सॉल्यूट की नेचर के ऊपर डिपेंड किए बगैर कोई भी सॉल्यूट हो, जब उसका 1 मोलर सॉल्यूशन वाटर में बनेगा तो उसके अंदर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होगा और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट होगा, जिनको हम के बी और के एफ जो है वो कहते हैं।
और ये जो है वाटर के केस में हमने देखा कि 0.52 होता है, और फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन जो आता है वो 1.86 डिग्री सी होता है। इनके प्रॉपर नेम्स होते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के कांस्टेंट को हम कहते हैं इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, के बी की वैल्यू जो है वो इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहलाती है। एंड फ्रीजिंग पॉइंट में जो कमी वाला कांस्टेंट है के एफ, दैट इज कॉल्ड क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ये नाम हम किसी भी चीज़ के लिए आपको याद होने चाहिए, और आपकी बुक में एक टेबल गिवन है जो कि डिफरेंट सॉल्यूशंस का, डिफरेंट सॉल्वेंट्स का आपको एक मोलर सॉल्यूशन का ये बताएगा कि एक मोलर अगर सॉल्यूशन बनाएंगे हम किसी भी सॉल्वेंट में तो उसका के बी और के एफ जो है वो क्या होगा। सिमिलरली अगर आप टेबल को देखें तो ईथर जो है, अगर ईथर के अंदर मैंने एक मोलर सॉल्यूशन बनाया है ईथर के अंदर किसी भी सॉल्वेंट का, तो उस सॉल्वेंट की मौजूदगी की वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट में कमी वाक़या होगी दैट इज़ 2.16 डिग्री सी, बॉइलिंग पॉइंट में जो एलिवेशन आएगी, और जो के एफ होगा इसका क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट वो 1.79 डिग्री सी होगा। तो इस तरह आपकी बुक में एक टेबल है जिसके अंदर उन्होंने तीनों तीन चार डिफरेंट सॉल्वेंट्स के बारे में आपको डिटेल दी हुई है। आखिरी जो बात है वो ये है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए कंडीशंस जो सी हैं वो तीन होनी चाहिए। नंबर वन, आपका सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा। नंबर टू, इट शुड बी नॉन इलेक्ट्रोलाइट। आपका जो सॉल्यूट है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, उसमें से जो है करंट जो है वो पास नहीं होना चाहिए। और नंबर थ्री क्या है कि आपका जो वो है वो नॉन वोलेटाइल हो। ये तीनों कंडीशंस अगर आप फुलफिल करेंगे सॉल्यूट को डालते वक्त और सॉल्यूशन बनाते वक्त, तो आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ इन चीज़ों से कभी भी डिफरेंट नहीं होंगी। तो यहाँ तक हमने अंडरस्टैंडिंग बेसिक डेवलप की अबाउट दी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़।